हाय गाइस, मैं हूँ राजव्रत। मैं भी आपको आज बताने वाला हूँ माइक्रोवन को कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर मैग्नेट्रॉन डालना है, कैपेसिटर कैसे डालना है, क्या चेक करना है, डाइवर्ट कैसे चेक करना है। ये मैकेनिक लोगों के लिए है कॉल, और ख़ास करके रिपेयरिंग वालों के लिए, जो रिपेयरिंग माइक्रोवन के लिए नए होते हैं उन लोगों के लिए माइक्रोवन की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैग्नेट्रॉन भी डालते हैं, कैपेसिटर भी डालते हैं और चेक भी करते हैं। देखिए अभी ये मैग्नेट्रॉन बिठा रहे हैं अपन लेने के लिए। ये अभी नया मैग्नेट्रॉन की शुरुआत हो गई है। हाय गाइस, ये हमारे विमल भाई अभी आज आपको माइक्रोवन का मैग्नेट्रॉन डाल के दिखाएंगे, कैपेसिटर चेंज करके दिखाएंगे, डाइवर्ट चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो टोटली आपको लाइव डेमो करके दिखा रहे हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो के अंत तक आपने अगर वीडियो पूरा देख लिया तो आप ये माइक्रोवन बनाना सीख जाओगे, पूरा माइक्रोवन की डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको। तो इस वीडियो को देखते हैं एंड तक, और मैकेनिक लोगों के लिए खास वीडियो बनाया हुआ है ये स्पेशली उनके लिए, कि उनको ताकि हर चीज़ का नॉलेज मिल सके। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि मैग्नेट्रॉन और कैपेसिटर और क्या क्या चीज़ किधर से लाइन होती है, कौन सा फ्यूज होता है, वो आपको इसमें वीडियो में पूरा डिटेल से बताया। तो अभी हम चेक करते हैं। विमल भाई चालू कीजिए आपका कॉन्टिन्यू टेस्टर। चलो ठीक है, लाइट आ रहा है, लाइट नहीं दिख रहा मुझे। फ्यूज ओके, मतलब ये आपका न्यूट्रल ओके, इधर न्यूट्रल आएगा, वन जाए न्यूट्रल, न्यूट्रल ये माइनस वन, दोनों ओके। लाइट थोड़ा आगे रखो तो दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। ये लाइट वाला सिस्टम अभी इधर लगाओ ना, इसको छोड़ दो, प्लग को छोड़ दो, दूसरा वाला वायर है ना उसमें आया ना, जैसे ये वायर है ना, जैसे इधर आ गया, हाँ यहाँ से यहाँ पे आता है। अच्छा, इसमें लाइट आना चाहिए ना, फिर इसके यहाँ से पास होके डायरेक्ट पीसीबी के थ्रू। तो ये मेन वायर है, हाँ ये इधर तक आता है, यानी कि आपका वायर सही है, पूरे यहाँ तक वायर सही है। एक वायर ये वाला मेन वायर, हाँ ये जो रेड वाला है ना, ये लाइट वाला, और ये ब्लू वाला हो गया आपका न्यूट्रल, ब्लू वाला न्यूट्रल इसमें से आया ना, न्यूट्रल इसमें से आया। थर्मोस्टेट का लाइन चालू है, बराबर बराबर ठीक है। अभी जैसे भी कैपेसिटर चेक करेंगे ना, कैपेसिटर चेक करने का तरीका जैसे एक एक दूसरे को करेंगे ना, हाँ तो हो जाएगा आपका। बॉडी को शॉर्ट होना नहीं चाहिए, हाँ ये खाली मैन दोनों प्लग में चल रहा, दोनों वायर निकाल के इसको शॉर्ट करने का पहले, नहीं तो कभी कभी विंड शॉर्ट नहीं करेंगे तो जिंदगी शॉर्ट हो जाएगी। ये निकल गया, दोनों में लाइट आना जरूरी है, बॉडी शॉर्ट होना जरूरी नहीं है, बॉडी शॉर्ट है मतलब खराब है। ये दोनों एक ही लाइन होता है ना अंदर, दोनों अंदर एक ही है ना, एक मिनट, इसमें लाइन आना जरूरी है। और ये बॉडी करो कमर को, हाँ तो दिखाएगा, हाँ ये लाइट आता है उसमें बॉडी टच रहती है, क्या वायर चेक चलो जरा चालू वायर अब इसका गर्म नहीं हो रहा है, तो इसका कारण है मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन बदली करना है अभी।
मैंने उनके ऊपर के दो स्क्रू खोलने का सबसे पहले आवाज फ्यूज भी खोल देने का थर्मोस्टेट बॉडी से शॉर्ट देगा क्या होएगा फ्यूज जुड़ेगा और गर्म भी नहीं करेगा माइक्रोन पूरा खराब हो जाएगा। ढीले हो गए स्क्रूज के मैग्नेटोन बदली कर रहे क्या गर्म नहीं होने से मैग्नेटोन का प्रॉब्लम होता है बाहर आ चुका है पूरा खड्डा इसको मैग्नेटोन बोलते हैं। अगर माइक्रोन गर्म नहीं होता तो इसकी प्रॉब्लम रहती है। और अभी विपुल भाई खोल रहे डाइवर्ट्स खोल इसमें क्या बदली करने जा रहे अभी ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया कैसे शॉर्ट हो गया चेक करके दिखाओ जरा ये मतलब ये दोनों में लाइन आता तो शॉर्ट है ये दोनों में लाइन नहीं आना चाहिए बराबर दोनों में लाइन आएगा तो मतलब इसका मतलब कैपेसिटर काम का नहीं है अभी ये भी चला गया है ये भी इसका एक रीजन होता है शॉर्ट होने का शॉर्ट होने से मैग्नेटोन के ऊपर असर करता है और मैग्नेटोन को खराब कर देता है ये खराब वजह से मैग्नेटोन खराब हो जाता है अभी इसमें नया लगा के देखते जरा नया लगा देखो जैसे लगाइए ना सिर्फ क्लिक करने से है ना जल के बंद हो गया इसमें मतलब नया डालेंगे तो मतलब एक बार खाली लाइट देके वापस बंद हो जाएगा बराबर अच्छा ये इतना फर्क है इसको अभी जला के चेक करो जरा लाइन दिखाओ ये लाइन चालू हो इसका मतलब शॉर्ट है और इसको चेक करेगा नहीं आता है ये दोनों में ही फर्क है ये डाइवर्ट है ना इसको कैसे चेक करने का इसमें लगाना लाइन दिखना चाहिए उल्टा इसमें इसमें लगाना चाहिए बराबर अच्छा ये हमारा मैन उसमें दिखा नहीं रहा है और चलो ठीक है ये भी लोग देखेंगे ना उनको भी लगना चाहिए नया लगा है ये नया कैपेसिटर डाल रहे हैं अभी क्योंकि कैपेसिटर शॉर्ट था कैपेसिटर का कुछ बड़ी बात नहीं खाली छोटा सा क्लिप है डाइवर्ट वाला वायर ऊपर की साइड में कोई भी किसी में डाल सकते हैं क्या नहीं तो किसी में डालना है तो मतलब ये और ये वाला साथ में होना चाहिए मतलब कौन सा ये मैग्नेटोन और ये मैग्नेटोन का और इस डाइवर्ट वाला एक साथ में होना चाहिए ना एक ही में ट्रांसफार्मर वाला नीचे होना चाहिए ट्रांसफार्मर वाला सिग्नल में किसी में भी सिंगल में होना चाहिए और ये डाइवर्ट वाला और ये मैग्नेटोन वाला एक ही है
इसका डाइवर्टर भी चेंज कर दिया है और ये नया मैग्नेट होगा। ये हमारे विमल भाई ने ये डाइवर्ट को अलग से जॉइंट मारा है और मैग्नेटॉन वाले को अलग है। मैग्नेटॉन और डाइवर्ट एक साथ है, ट्रांसफार्मर का जो लाइन आया वो अलग है, एक है। अभी ये मैग्नेटॉन बिठा रहे हैं अपन लेने के लिए। ये अभी नया मैग्नेटॉन की शुरुआत हो गई है। ये कैपेसिटर रेडी हो चुका है। एक वायर ऊपर वाला वायर किसमें गया? मैग्नेटॉन में, और दूसरा वाला ऊपर वाला है वो डाइवर्ट में, और जो नीचे वाला है वो वायर, ये नीचे वाला जो वायर है ना वो सीधा फ्यूज में गया। ठीक है, तो इसके स्टोर यहाँ पे चल, ये हमारे मैग्नेटॉन फिटिंग हो रहा है। केबल भी आ गया, अभी मत कच्चर का टोकला आ गया, तो अभी आ गया आपके इसमें मैनुअल फिटिंग हो गया। ये वाला भी लग गया है, ये थर्मोस्टेट है, तो मतलब अपना मैग्नेटॉन को गर्म होता है उसके बाद में कट ऑफ करता है लाइन, ओवर हीटिंग हो जाता है, मतलब उससे क्या होता है कि मैग्नेटॉन की सेफ्टी है और मैग्नेटॉन को आउट फ्यूज होने से। हमारे विमल भाई काम कर रहे हैं, बहुत जाने माने विशेषज्ञ है। मैग्नेटॉन विशेषज्ञ है भाई, माइक्रोवन के विशेषज्ञ श्री 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 बॉडी का ये फिटिंग हो रहा है बस, जिसकी जरूरत खुलने में लगी थी अपने को। ठीक है, एक एक पार्ट्स फिटिंग कर रहे सब कर रहे हैं, बल्ब फिटिंग कर रहे हैं, अभी बल्ब को निकाला, ये ऐसा निकालने का, ऐसा सीधा खाली अंदर फिटिंग करने का, उसके बाद में उसको बैंड कर देने का और इधर एक स्क्रू लगा देने का फिटिंग। ये अपन मैग्नेटॉन के वायर डाल रहे हैं, कोई भी किसी में भी डाल सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। घुस गया दूसरा वाला भी, घुस गया हो गया, अभी अपना काम लगभग ओके हो गया, अभी जरा चेक कर दें, बॉडी चेक कीजिए, बॉडी नहीं हो रहा है, कैपेसिटर चेक कीजिए, बॉडी नहीं आ रहा ना, बढ़िया वो है, बढ़िया हल्का पावर है ये, इसके हिसाब से ये बॉडी शॉट बता था, बाकी नहीं बताता। ठीक है, तो फिर अभी टेस्टिंग करें, इसको प्लग में लगा के चेक कर दे जरा। मतलब चालू हो गया, गिलास से पानी रही है, रख दिए, उसको चेक करते हैं। 30 सेकंड का टाइमर लगाया, टोटल फंक्शन चालू है उसके, 30 सेकंड्स का माइक्रो लगा हुआ,
देखते हैं पानी गर्म हुआ क्या। एकदम पानी गर्म हो गया ना, एकदम अच्छे से गर्म हो गया, देखो एकदम ज़ोरदार गर्म हो गया। वाह बहुत गर्म हो गया, इधर क्या ले, इधर अच्छे से एकदम गर्म हो गया, मतलब अभी कनेक्शन मॉडल पे रखा ना, ऊपर का घूम।